तो फिर हम कंटेंपररी की सीरीज में आज हम सीखेंगे इंटरनेट ऑप्शन के बारे में। तो इंटरनेट ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, किस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए इंटरनेट ऑप्शन के अंदर, और क्या क्या होता है इसके सेटिंग्स, इसके बारे में पूरा हम डिटेल जानेंगे। और साथ ही साथ इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, या तो इसके अंदर किस तरह से हमको यूज़ करना है अच्छी तरह से। तो पहले मैं बता दूँ कि हमने पिछली वीडियो में देखा था इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या होती है, और उसके पहले भी आपको मैंने कहा था कि ऑटो प्ले किस तरह से स्टार्ट करना होता है, किस तरह से क्या होता है ऑटो प्ले की, कौन कौन सी सिस्टम होती है, ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या होता है। तो इसकी भी आप वीडियो जाकर देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। आपको सिर्फ कंट्रोल की प्लेलिस्ट में जाना है और फाइंड करना है। कैलेंडर मैनेजर लिखा है यहाँ पर, तो कैलेंडर मैनेजर क्या होता है, किस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर बिट लॉगर क्या होता है, फिर हमने कहा था कि टूल्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से टूल्स काम करने चाहिए और कौन कौन से टूल्स को किस तरह से यूज़ होता है, ऑडिट किस तरह से यूज़ होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो बात होती है हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर। तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑप्शन है ये इंटरनेट के लिए है और इंटरनल के लिए भी, इंटरनल जो हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर उनके लिए भी है। तो टोटल ये होता है नेटवर्क का ऑप्शन। तो मैं आपको कहूँगा कि इंटरनेट ऑप्शन के अंदर बहुत सारी सी सिचुएशन होती है, यहाँ पर बहुत सारी सी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको सेट करने होते हैं। तो मैं इंटरनेट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो चलिए हम सीख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो क्या होता है इंटरनेट, तरह की यहाँ पर लिख सकते हो ऑप्शन क्या होते हैं। तो क्या होता है इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट ऑप्शन के अंदर क्या यूज़ होता है यहाँ पर। तो मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक सिंपल सा कंप्यूटर है, जो पुराने वाले कंप्यूटर थे उसके अंदर जब भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ होता था तो उसके अंदर भी बहुत सारे सिक्योरिटी के फंक्शन होते हैं। तो जब कोई भी कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो जितने भी हमारे सर्वर होते हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की क्या होती है, परफेक्टली उसको सेटिंग्स किया जाता है। जब भी कंप्यूटर एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है और कोई भी सर्वर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तभी वो सर्वर काम करने के लिए परफेक्ट होता है। तो जितने भी हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं जो सर्वर होते हैं, तो वो इंटरनेट के अंदर जो भी हमारा जो सर्वर जो कनेक्ट है वो कब तक किस तरह से कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर कनेक्ट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे इंटरनेट के अंदर राउटर होते हैं, स्विच होते हैं, वायरलेस राउटर भी होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी की वायरलेस स्विच भी होती है, सैटेलाइट्स होती है। तो ये जो होते हैं अलग अलग तरह की हमारे इंटरनेट को चलाने में काम करते हैं। तो रही बात सर्वर की बात, तो गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी होती है, उनके सर्वर होते हैं, स्कूल कॉलेज के सर्वर होते हैं, न्यूज़ चैनल के सर्वर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के सर्वर होते हैं, सिक्योरिटी। तो जो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है जैसे कि वायर होता है या फिर वायरलेस, तो फिर अलग अलग तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी आई उससे और ज़्यादा हमारा इंटरनेट यूज़ होने लगा। तो इंटरनेट के ऊपर जो कंट्रोल रखता है वो इंटरनेट ऑप्शन होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी सी फायरवॉल जैसी सिक्योरिटी जो होती है वो कंट्रोल करता है। तो जब भी हमारा कोई कंप्यूटर जो एक तरह का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो नेटवर्क कहलाता है, लेकिन पूरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो जो भी होता है वो कंट्रोल करने का काम हमारे इंटरनेट ऑप्शन करता है। तो इंटरनेट ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, तो जो भी हमारा कंप्यूटर कनेक्ट करता है उसके साथ कोई रिप्लाई करता है तो जो रिप्लाई मिलता है वो सर्वर के थ्रू मिलता है, लेकिन जो कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर और सर्वर के बीच जो होता है वो इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो ऑलरेडी जो कॉन्फिगर होते हैं करे हुए सिक्योरिटी की बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स, तो अलग अलग तरीके से ये काम करता है। तो क्या किस तरह से ये काम करता है, तो जब भी हमारा ये इंटरनेट ऑप्शन जो है वो विंडोज़ के लिए अभी मैं समझा रहा हूँ, लिनक्स में भी है लेकिन उसके अंदर अलग अलग तरीके का, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर समझाऊँगा कि विंडोज़ के अंदर किस तरह से ये इंटरनेट ऑप्शन काम कर रहा है। ये विंडोज़ 2003 के टाइम से ही स्टार्ट है और इसके अंदर भी बहुत सारे नए नए टेक्निक लाकर यहाँ पर नए नए ऑप्शन लाकर उसको अपडेट किया है। तो विंडोज़ 2000 से भी पहले ही है,
था, लेकिन अभी ये बहुत ही एडवांस हो चुका है यहाँ पर। आपको और अच्छी तरह से एडवांस सिक्योरिटी मिले, एडवांस और इम्प्रूवमेंट मिले आपको, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है, मतलब हमारा जो लोकल कंप्यूटर होता है, जो लोकल कंप्यूटर यूज़ करने वाला यूज़र होता है, ये चाहे आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने वाला, कोई कंपनी के अंदर यूज़ करने वाला कोई सिंपल यूज़र होता है या कोई सिंपल एम्प्लॉय होता है, तो जब भी वो कोई एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, यहाँ पर एक कनेक्ट करता है, तो जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ जब भी वो उसको परमिशन है कंपनी की तरफ से, तो जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपनी कंपनी के सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो वो जो इंटरनेट का जो कंपनी का जो सर्वर ही होते हैं वो क्या होता है, पहले से कॉन्फ़िगर होता है, उसके ऊपर कंट्रोल होता है कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, कौन सी सेटिंग्स होगी। तो यहाँ पर विंडोज़ कंपनी सिस्टम के अंदर पहले से डिफॉल्ट सेटिंग्स किए होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कस्टम सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एडवांस जो हो एडवांस भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एडवांटेज क्या होते हैं, तो एडवांटेज मींस हमें क्या क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर, और इंटरनेट के अंदर भी क्या फ़ायदा होता है लोगों को। तो जब भी हमारा जो कोई कंप्यूटर जो होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई वेबसाइट ऐसी है जो ख़राब वेबसाइट है, जो एडल्ट वेबसाइट है, जो बेकार वेबसाइट है, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। आप ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी बिना पूछे आपका कोई इंटरनेट यूज़ करता है उसको कनेक्शन को बंद कर सकते हो। इंटरनेट के ऊपर परमिशन आप सेट कर सकते हो, किस तरह से आपको परमिशन सेट करनी है, साथ ही साथ किस यहाँ पर कोई यूज़र है इसको भी कंट्रोल करना है, कर सकते हो किस यूज़र को इंटरनेट देना है, इंटरनेट बंद करना है, वो भी सेट कर सकते हो। कोई भी यूज़र जो इंटरनेट एक्सेस करता है तो उसका जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को चालू रखना है या बंद करना है तो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रोटोकॉल को भी मैनेज कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। पॉपअप मीन्स जो हमारे इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग तरह की यहाँ पर एडवाइस आती है, एड आती है, उसको पॉपअप कहते हैं। आप डिलीट कर सकते हो कुकी, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिलीट कुकी। इंटरनेट ऑप्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये जो होता है इंटरनेट ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज का विंडो होता है, यहाँ पर इसे देखते हो तो क्या होता है इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन का काम होता है कि बहुत सारे हमारे जो इंटरनेट के ऊपर जो काम का हम वेबसाइट को देखते हैं इंटरनेट के ऊपर शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंटरनेट प्रॉपर्टीज लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पर आपको पहले मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो इस तरह की यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। तो हमारे कंप्यूटर जो होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, कंटेंट है, कनेक्शन है, प्रोग्राम से और एडवांस में भी कुछ दिया है। तो पहले जनरल के बारे में बात करेंगे। तो जनरल क्या होता है, जनरल के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा इस तरह का इंटरफेस है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है मेन। तो पहले हम होम पेज के बारे में बात करेंगे। तो क्रिएट होम पेज टैब, टैप ईच एड्रेस इट्स ऑन लाइन। तो मैं जब भी मैं कहता हूँ कि मैं कोई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे सिस्टम के अंदर जब भी मेरा कोई नया कोई मैं टैब ओपन करूँगा, तो टैब क्या होती है मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि टैब क्या होती है। तो मैं गूगल क्रोम है मेरा, तो ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, तो ये जो फर्स्ट जो मेरा पेज है वो होम पेज है मेरा ब्राउज़र का। और यहाँ पर जो आप ऊपर देखते हो ये टैब है, लिखा भी है न्यू टैब, मुझे कोई नया टैब ओपन कर, यहाँ से क्लिक करूँगा टैब ओपन हो जाएगा। तो बात आती है गूगल क्रोम के अंदर। तो गूगल क्रोम जो होता है एक हमारा ब्राउज़र है जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, तो गूगल का प्रोडक्ट होने के साथ साथ उसने गूगल की जितने भी वेबसाइट वहाँ पर चल रही है या तो वेबसाइट वो फैसिलिटीज देता है। तो यहाँ पर हमारा जो URL है या बाय डिफॉल्ट उसने क्या क्या सेट कर रखा है, लेकिन मुझे इसको भी कुछ चेंजिंग करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं मैं कोई भी ओपन न्यू टैब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको गूगल लिखा आ जाएगा। तो बात आती है कि हमारे सिस्टम के अंदर आपका जो क्रिएट होम पेज होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं तो यही डिफॉल्ट रखने को कहूँगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है और आपको पता ही होगा कि हमें कुछ भी चाहिए, फ़ोटो, मूवीज़ या तो फिर कोई भी ऐसी कोई जानकारी
जैसे कोई भी ऐसी वेबसाइट हमें देखनी होती है तो हम डायरेक्ट सीधा गूगल ओपन करके हम उसको सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है यहाँ पर, तो आपको रखना तो रख सकते हो, यहाँ पर google.com की जगह कुछ और लिख सकते हो, तो मैं लिख आपको करना तो कर सकते हो, आपको न्यू टैब के अंदर यूज़ करना तो यू आप कर सकते हो, ये इस तरह से आपको अप्लाई करना है, फिर यहाँ पर इसी इस तरह से ये गूगल का प्रोडक्ट है तो ये नहीं होगा यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि आपको डिफॉल्ट ही रखो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करके रखा लेकिन मुझे गूगल को ही ओपन रखना है, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कोई भी ब्राउज़र ओपन करो तो मुझे डायरेक्ट गूगल के पास ले जाए, तो मैं यहाँ पर उसका एड्रेस मैं क्या करूँगा एंटर कर दूँगा, तो देख सकते हो कि मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर www.google.com। ओके, और जो भी वेबसाइट मुझे ओपन करनी है वो यहाँ से शुरू होगी www.google.com। क्या हुआ, मेरा ब्राउज़र का मेन होम पेज, जब भी मेरा ब्राउज़र ऑनलाइन में ओपन करूँगा डायरेक्ट सीधा google.com पे ले जाएगा, तो बार डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ करना है तो यूज़ डिफ़ॉल्ट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से, और अप्लाई पर क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पर होता है हमारा सिस्टम के अंदर स्टार्टअप, तो स्टार्टअप क्या होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, आपको जो स्टार्ट करना है आपका जो ब्राउज़र स्टार्ट हो, जैसे कि मेरा गूगल क्रोम है, जब मेरा ब्राउज़र स्टार्ट हो तो मेरा स्टार्ट हुआ ब्राउज़र जो लास्ट सेशन बताए, मतलब मैंने जो पहले टैब ये थी, मान लो कि मैंने यहाँ पर फेसबुक ओपन किया था, मैंने बंद कर दिया, ओके क्लोज करके इस तरह से बंद कर दिया, अब मैं कोई नया टैब ओपन करता हूँ तो मुझे लास्ट वाला मुझे मिले, ओके मतलब मैं जब भी इसको ब्राउज़र बंद कर दूँ और जब भी मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने जो फेसबुक बंद किया था वो फेसबुक क्या हो जाए ओपन हो जाए, तो इस तरह से वो सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे स्टार्ट करना है होम पेज के साथ, इसी के साथ, तो मुझे यही रखना होगा क्योंकि मुझे यही चाहिए स्टार्टिंग में, तो मैं यहीं पर रखूँगा और अप्लाई करूँगा। ओके, फिर होता है टैब्स, तो जो आप देख सकते हो कि चेंज यहाँ पर लिखा है चेंज हाउ वेब पेज आर डिस्प्ले इन टैब्स, तो वेब पेज को किस तरह से आपको दिखाना है, आपको किस तरह से दिखाना है, तो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये अभी तो ये ऑनलाइन नहीं है, तो बात आती है हमारे सिस्टम के अंदर गूगल के अंदर, तो मैं टैब पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर टैब के बाद ब्राउजिंग के तो यहाँ पर बताया है कि वार्न मी वैन क्लोजिंग मल्टीपल टैब, टैबर ब्राउजिंग लिखा है यहाँ पर, तो वार्न मी वैन क्लोजिंग मल्टीपल टैब्स, तो ये क्या करेगा कि जब भी मैं मल्टीपल टैब्स मैंने इस तरह से ओपन की है, ओके लेकिन मैं जब भी मैं इस तरह से बंद करूँगा तो वो वार्निंग देगा मुझे। ओके, तो ये भी मैंने स्टार्ट करके रखा है, ऑलवेज स्विच न्यू टैब वेन दी आर क्रिएट, तो मैंने कुछ भी यहाँ पर स्विच किया तो मैंने मान लो कि google.com पर मैं लिखा और कोई वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, वो नए टैब में ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ये मान लो कि facebook.com पर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, मैं लॉगिन किया तो वो लॉगिन किया हुआ पेज नए टैब में ओपन हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, इसको मैं छोड़ दूंगा। ओके, फिर यहाँ पर लिखा है कि show previews for individual tabs in the taskbar, तो यहाँ पर जो हम देख सकते हो कि हमें कोई भी पिछली कोई वेबसाइट हमने देखी थी और उस वेबसाइट को मुझे show करना है प्रीवियसली भी, तो उसको क्या टास्क बार के ऊपर, मतलब कि मैंने यहाँ पर दूसरा ब्राउज़र मैंने ओपन किया है तो क्या होगा, वो अलग सेशन हो जाएगा, यहाँ पर अलग सेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्राउज़र के साथ साथ मुझे उसको क्या करना है टास्क बार को सेट करना तो कर सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इनेबल टैब ग्रुप लिखा है यहाँ पर, तो इनेबल टैब ग्रुप क्या होता है, ये जो होता है देख सकते हो यहाँ पर इनेबल टैब, तो ये ग्रुप है एक तरह का टैब का ग्रुप, टैब का ग्रुप होता है, तो आपको इनेबल करना तो करना है, तो टैब क्या हो जाएगी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर होता ही है, क्योंकि गूगल क्रोम जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो इसलिए वो अपने ही तरीके से क्या सेट करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आपको वेबसाइट पर लिखना होगा गूगल क्रोम डाउनलोड, भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट की है या 64 बिट की है, फिर आपको सर्च करके एंटर मारना है, फिर आपको जो वेबसाइट मिलेगी वो वेबसाइट को ओपन करके डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। ओके,
फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होता है। तो ओपन ओनली फर्स्ट होम पेज व्हेन इंटरनेट एक्सप्लोर स्टार्ट, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए है। यहाँ पर जैसे मैं दूसरा ओपन कर रहा हूँ तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर है, और यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर मेरे अभी कोई मेरे पास ने कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ इंटरनेट, तो यहाँ पर इस तरह से बताएगा। तो ये सिस्टम होते हैं यहाँ पर, जब भी मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोर स्टार्ट करूँगा तो क्या करेगा वो होम पेज को बाय डिफॉल्ट ही ओपन करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना है ठीक है। और फर्स्ट होम पेज बताएगा वो, फिर मुझे बता रहा है नीचे और एक ऑप्शन, तो व्हेन अ न्यू टैब इज ओपन, कोई भी नया ओपन है टैब तो इसके अंदर क्या आप देखना चाहते हो, तो द न्यू टैब पेज बताना चाहते हो या ब्लैंक पेज बताना चाहते हो या फर्स्ट होम पेज बताना चाहते हो। तो मैं न्यू टैब ओपन कर रहा, तो न्यू टैब ही जी मुझे चाहिए। फिर यहाँ पर व्हेन पॉपअप इस इंक्लूडेड, अब पॉपअप क्या होता है, पॉपअप के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर मैं बोलूँ कि हमारी जो वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के आसपास हमारे जो एक ऐड होती है, ऐड होती है यहाँ पर ऐसे, और हमें कुछ ऑफर देती है यहाँ पर कि आपको इस वेबसाइट के अंदर से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। तो वेबसाइट होता ही है, वेबसाइट होता है, लेकिन ऐड जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाती है, हमारे वेबसाइट के अंदर बताती है। तो ये पॉपअप जो होते हैं वो अच्छी तरह से ज़्यादा होते हैं, कुछ तो पॉपअप जो होते हैं वो ठीक तरह से दिखा नहीं देते। तो ये जो पॉपअप्स वगैरह होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से हमें दिखाई दे, या तो फिर हमको देखना नहीं चाहते, तो हम उसको क्या कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि लेट इंटरनेट एक्सप्लोर डिसाइड हाउ पॉपअप शुड ओपन, तो वो क्या करेगा इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए ऊपर काम का, ये जो पूरा टैब है ये क्रोम पर काम नहीं करेगा, क्रोम पर काम करेगा उसकी प्राइवेसी काम करेगी, लेकिन जनरल के अंदर ये टैब ब्राउजिंग सेटिंग्स है, ये ब्राउजिंग सेटिंग्स जो है, ये ब्राउजिंग सेटिंग जो है ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोर पर काम करेगी, क्योंकि गूगल क्रोम ने अलग ही अपना सेटिंग्स करके रखा, उसके ऊपर असर होता है और सिक्योरिटी प्राइवेसी जनरल के अंदर टैबलेट ब्राउजिंग की सेटिंग जो होती है वो किसके ऊपर काम करेगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बना हुआ ब्राउज़र है और ये गूगल का ब्राउज़र है यहाँ पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैं सेटिंग्स करूँगा यहाँ पर टैबलेट ब्राउजिंग सेटिंग वो सीधा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, काम करेगा ओके। तो वो अपने आप ही चेक करेगा वो पॉपअप्स किस तरह से आपको बताना है, किस तरह से ओपन करना है, या तो फिर आपको ऑलवेज पॉपअप रखना है न्यू विंडो के अंदर। तो मैं मान लो कि नया कोई विंडो ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसकी टैब जो होती है कहाँ पर होती है, तो हम इसकी टैब यहाँ पर होती है, देख सकते हैं आपने न्यू टैब लिखा है। तो जब भी मैं ओपन करूँगा यहाँ पर तो किस तरह से आपको बताना है इस तरह से। तो ये जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर वो पॉपअप, यहाँ पर मान लो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया तो यहाँ पर कोई ऐड आई, फिर यहाँ पर कोई ऐड आती है, तो जो होती है पॉप, यही पॉपअप का काम होता है। फिर बात आती है कि ऑलवेज पॉपअप इन न्यू टैब, तो आपको बताना है कि ऑलवेज ओपन करना चाहते हो पॉपअप को, पॉपअप मतलब ऐड जो आपको बता रहा है, तो जो भी होता है वो ऑलवेज बताना चाहते हो, मतलब हमेशा बताना चाहते हो आप, तो आपको लिखना चाहते हो आप नए टैब के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो भी आप सेटिंग करोगे इंटरनेट एक्सप्लोर के साथ साथ गूगल में भी तो थोड़ा फर्क होता ही है। फिर ओपन लिंक्स फ्रॉम अदर प्रोग्राम, तो अदर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि ये ओके, तो ये जो है हमारा गूगल क्रोम है वो प्रोग्राम बनाया है स्पेशली गूगल ने एक ब्राउज़र, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, और न्यू टैब इन द करंट विंडो, तो जब भी नया मैं टैब ओपन करूँ तो करंट विंडो मतलब इस विंडो के अंदर ही आएगा ओके। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, ओके करना है और आपको क्लोज कर देना है, तो मैं ओके कर देता हूँ। फिर बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर ब्राउजिंग हिस्ट्री की, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, कि जो हमारे सिस्टम जो होती है हमारे, हम जो मान लो कि मैंने लिखा कि www.facebook.com में लिखा, और यहाँ पर facebook.com लिखने के बाद जो हमारे सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर जो होता है हमारा, हमारी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास चली जाएगी और जो हमने सर्च किया है वो उसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर मुझे फेसबुक का होम पेज ओपन कर दिया मैंने,
और यहाँ पर मैं लिखा कि मेरा यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड में एंटर करके मैंने अपने आईडी के अंदर फेसबुक आईडी के अंदर लॉगिन किया। तो जो भी मैं सर्च किया है, जो भी मैंने लॉगिन किया है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेव हो जाएगा। और कहाँ सेव होगा हमारा, तो हमारे ये ब्राउज़र की जो कुछ फाइल्स होती है, हमारे इंटरनेट की कुछ फाइल्स होती है जिसे हम कहते हैं कुकीज़ और कैश मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे जो सिस्टम की होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर जो होते हैं वो एडवांस सिस्टम को सपोर्ट करने के कारण हमारे सिस्टम को और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट, अच्छी तरह से हम वेबसाइट देखें, इसके लिए ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल्स लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, कुकीज़ लिखा है, सेव पासवर्ड लिखा है एंड वेब फ्रॉम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एंड वेब इंफॉर्मेशन क्या होती है कि हमने जो जो भी वेबसाइट ओपन की है, गूगल ओपन की है, फेसबुक ओपन किया है, फिर हमने स्काइप ओपन किया है, कोई भी हमने वेबसाइट ओपन की है, ब्राउज़र क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव करता जाएगा ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो ये चाहे मैं फायरफॉक्स यूज़ करूँ या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करूँ या तो कोई भी मैं ये चीज़ ओपन करूँ, तो उसके अंदर सेव होता जाएगा जो मैंने ब्राउज़र से यूज़ किया है। ओके, तो मैंने गूगल के अंदर 3-4 वेबसाइट ओपन की, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर 3-4 वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होती है वेबसाइट की, जो जो वेबसाइट में ओपन करता जाऊँगा वो सेव होती जाएगी फाइल। तो ये इन्फॉर्मेशन सेव करता जाएगा क्यों, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री होती है कि आपने क्या यूज़ किया, एक तरह का यहाँ पर सेव करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। फिर कुकीज़ क्या होती है कि कुकीज़ के अंदर हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो हमारा इंटरनेट वहाँ हमारा जो यहाँ से जो पैकेज जाता है, यहाँ पर जो हमने सर्च किया है वो वहाँ से उस पैकेज का रिस्पॉन्स आया, मतलब हमने जो सेंड किया वो एक तरह का डेटा बन जाएगा और डेटा पैकेज के अंदर चला जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क के अंदर क्या होता है, इस तरह से किस तरह सेंड करना होता है, नेटवर्क के अंदर बताऊंगा किस तरह से हमारा जो इंटरनेट होता है वो सेंड होता है हमारा। तो हम जो सेंड किया वो भी एक तरह का डेटा ही है ना, तो डेटा जो हमारे सामने जाएगा वो फिर से वहाँ से आएगा, वो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स करके हमको बताएगा कि ये हमारा आपका सर्च किया हुआ रिजल्ट है। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं बताएगा, इस तरह से रिस्पॉन्स बताएगा हमारा इंटरनेट नहीं है। तो इसको पता कैसे चला कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसके भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताएगा। लेकिन कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ का जो काम होता है वो डेटा आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसकी सिक्योरिटी के साथ साथ आप देख सकते हो कि कुकीज़ के अंदर वेबसाइट की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे इंटरनेट की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी को बता नहीं सकते, पासवर्ड होते हैं, कुछ भी यूज़र होते हैं, तो कुकीज़ के अंदर और कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, से हो जाता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कैश मेमोरी नहीं, तो कैसे पता चलेगा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाऊँगा, उसकी हिस्ट्री में जाऊँगा। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, हिस्ट्री के अंदर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और हिस्ट्री के अंदर आपको मैं करूँगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कैश इमेज एंड फाइल लिखा है यहाँ पर। तो कैश इमेज एंड फाइल्स क्या होती है कि कैश जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर कुछ इमेजेस, कुछ फाइल्स होती है, वो क्या होती है, टेम्पररी होती है, तो वो भी उसके अंदर क्या होती है, सेव हो जाती है। तो फिर हम इसके दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि इंटरनेट ऑप्शन का क्या नया नया और भी ऑप्शन से यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग्स है जिससे हमें करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सेटिंग्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे कंप्यूटर के कंट्रोल करने के ऑप्शन में से एक ये इंटरनेट ऑप्शन जो है। तो नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह की और सेटिंग्स है अवेलेबल हमारे इंटरनेट ऑप्शन के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी,
ये कंट्रोल पैनल की सीरीज की प्ले लिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्ले लिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्ले लिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।